इधर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा सबक दिया है। राजनाथ सिंह ने ऐसी ताकतों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कश्मीर समस्या का हल अगर कोई बातचीत के जरिए नहीं चाहता तो मोदी सरकार अच्छी तरह से जानती है कि समाधान कैसे पाया जाता है। कश्मीर फिर से बनेगा धरती का स्वर्ग। कश्मीर में समस्या नहीं, अब समाधान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को दो टूक चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर समस्या को हल होने से नहीं रोक सकती है। लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत है, मैं कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर फिर से जन्नत बनाया जा सकता है, फिर से जन्नत बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को याद किया और द्रास सेक्टर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने अलगाववादियों के साथ साथ उन सियासी पार्टियों को भी कड़ा संदेश दिया जो वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर को समस्या ही रहने देना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, देश का गृह मंत्री रहते कई बार कोशिश की, बार बार अपील की गई, आइए साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों की कोशिश यही रहती है यहाँ का ताना बाना तार तार हो जाए। जो लोग कश्मीर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यदि वह आंदोलन के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं तो मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूं कि एक बार बैठकर बात तो करें, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर समस्या के हल को लेकर मोदी सरकार के इरादों का ऐलान कर दिया। राजनाथ सिंह के इस ऐलान से अब साफ है कि कश्मीर को समस्या बनाने वालों से अब आर पार की लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और बच्चों से कहते हैं नारा लगाओ, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। कैसी आजादी चाहिए? जैसी पाकिस्तान की आजादी है, क्या वैसी आजादी आप कश्मीर के नौजवानों को देना चाहते हैं? राजनाथ सिंह के करारे जवाब से पाकिस्तान के हमदर्दों को मिर्ची जरूर लगी होगी। राजनाथ सिंह ने अलगाववादियों पर भी हमला किया। राजनाथ सिंह ने कश्मीर के लोगों को सचेत रहने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा, ये अलगाववादी अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, जबकि भोले भाले कश्मीरी नौजवानों से पाकिस्तान के इशारे पर पत्थरबाजी करवाते हैं। 14 साल 12 साल 10 साल के बच्चों को गुमराह करके उनसे स्टोन पेंटिंग कराई जाती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और यह सब सारे नेता अपने बच्चों को दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, नौकरी करने के लिए भेजते हैं। और बच्चों से कहते हैं नारा लगाओ, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने एक बार फिर उसी संदेश को दोहराया जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से दिया था। इस स्वर्ग को हम अनुभव करें उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।
कश्मीर के हालात में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। मोदी सरकार 2.0 में गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सबसे पहले कश्मीर का दौरा किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर में हालात सामान्य करने के सभी संभावित उपायों पर विचार करने का आदेश दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कश्मीर को समस्या बनाए रखने वालों को करारा जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के हमदर्दों को ये कड़ा संदेश दे दिया है, अगर बात से समाधान नहीं निकलेगा तो घात से भी समाधान निकालना आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।